अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू जंजानी टीम। हमारे इस हफ्ते के प्रोग्राम में ये बेसिकली, क्योंकि हफ्ता जो है मार्च के आखिरी दो दिन भी इसमें शामिल हैं और इसके अलावा अप्रैल के पहले पाँच दिन इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये पूरे वीक का, जैसे कि आपको इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर तवारीख मिल चुकी होंगी, क्योंकि बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझे लास्ट वीडियो के कमेंट्स में भी ये चीज़ कही कि आप डेट्स मेंशन कर दें। तो डेट्स ऑलरेडी हमारे पास मेंशनड होती हैं, क्योंकि जंजानी टीवी के ऊपर जो भी वीकली वीडियो आती है वो बेसिकली मंडे से लेके संडे तक का जो पूरा वीक होता है इसको हम लोग कवर करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों के एग्जॉटिक साइंस की तरफ बढ़ूँ, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के बल्कि ग्लोबली तौर के ऊपर जो पूरी दुनिया में इस वक्त कोविड-19 के हवाले से जो एक वबा है, कोरोना बीमारी, जो कि एक छूत की मूजी बीमारी है और जिसका हमने अपने पिछले जितने भी दिन माजी के गुजारे हैं, स्पेशली जो लॉकडाउन के भी दिन थे हमारे, और स्टिल अभी भी हालात कुछ इतने सुधरे नहीं हैं, मामला बेहतर नहीं हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली एक तो हमारी दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान से बल्कि आलमी तौर के ऊपर इस वबा को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और बेहतर तौर के ऊपर जल्द से जल्द हालात जो हैं दोबारा से नॉर्मल रूटीन में आ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग बाय एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर इसको देखें प्लैनेटरी पोजीशंस पे, तो ऑलरेडी मेरी एक वीडियो इस चैनल के ऊपर भी मौजूद है, इसके अलावा जो हमारा AQ TV का चैनल है उसके ऊपर भी मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। तो अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आया आपको फौरी तौर के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। हम लोग अगर बात करें कोरोना की वबा के हवाले से, तो इसके अकॉर्डिंगली प्लैनेटरी पोजीशंस जो हमें गाइड करती हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की आप लोगों से बड़ी डिटेल में, इसको एक दफ़ा दोबारा से मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि वो बहन भाई जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी। तो बेसिकली प्लैनेटरी पोजीशंस के मुताबिक जो ग्लोबली तौर के ऊपर चेंजेस आ रही हैं दुनिया में, क्योंकि जो ग्रहण लगा था सोलर इक्लिप्स कुछ लास्ट दिसंबर में, 26 दिसंबर को 2019 में, और इसके अलावा उस ही दिन ग्रैंड अलायंस भी हुआ था प्लैनेट्स का, जो कि हर 5 से 6 साल के बाद ये रिपीट होता है ग्रैंड अलायंस। और जब भी ये ग्रैंड अलायंस रिपीट होता है तो मुल्क की दुनिया तौर के ऊपर, ग्लोबली तौर के ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं, लेकिन इस बीमारी ने पूरी इंसानियत को एक दफ़ा हिला के रख दिया। लेकिन सबसे बड़ी जीत इसमें इंसानियत की जो है कि आप लोगों को हिम्मत हौसला रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डर का वक्त नहीं है, ये सिर्फ संभलने का वक्त है और अपने खुदा की तरफ रुजू करने का वक्त है। अल्लाह ताला आप लोगों से शदीद नाराज़ है, ये हमें नज़र आ रहा है, हमसे नाराज़ है वो, क्योंकि उसने खाने काबा का तवाफ़ मुसलमानों के लिए रुकवा दिया और बेशक अल्लाह ताला की रज़ा के बग़ैर इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हमारा ईमान है, एतकाद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना शुरू करें, और इस वबा की ये हम लोग बात करें प्लैनेटरी पोजीशंस के मुताबिक, तो इंशाल्लाह 15 अप्रैल के बाद से इसमें काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता कमी आनी शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह मुकम्मल तौर के ऊपर इस वबा का जो खात्मा है ग्लोबली तौर के ऊपर दुनिया से, ये जाके होता हुआ नज़र आता है कुछ जुलाई के महीने में, और ये तब होगा जब सितारा मुश्तरी जुपिटर खुशबख्ती रूहानियत का शिफायाबी का प्लानट अपने ज़ाती घर में दोबारा से वापस आएगा। इसके अकॉर्डिंगली हमारा मंथ ऑफ अप्रैल का जो मैगज़ीन है आईना किस्मत, उसमें भी आपको ये प्रेडिक्शंस मिल जाएंगी। अगर आप उसकी PDF फाइल मंगवाना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर जो कि आपको स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसके ऊपर सिंपली मुझे एक मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, तो इंशाल्लाह उसकी PDF फाइल मैं आपके मोबाइल पर भिजवा दूँगा, जो आप बसानी उसको पढ़ सकते हैं अपने स्मार्ट मोबाइल्स के ऊपर। इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, मेरे तमाम जो व्यूअर्स हैं, आप लोग मोहब्बत करते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने 3 मरतबा कुल शरीफ और 1 मरतबा अलहम शरीफ पढ़ने के बाद इसका इसाले सवाब उन तमाम इंसानियत, उन तमाम इंसानों की अरवा को आप लोगों ने इसाल करना है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में जितनी अमवात हुई हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि इससे मरने वाला जो इंसान है उसके लवाहिकीन उसको उस तरह रुख्सत भी नहीं कर पाते जिस तरह आम इंसानों को रुख्सत किया जाता है, जनाजा होता है प्रॉपर तौर के ऊपर, गुस्ल दिया जाता है, तदफीन की जाती है, तमाम अजीज़ों अकारिब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। तो आप लोग उनके दर्द को महसूस करते हुए, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप लोगों के
بہن بھائیوں کو، آپ لوگوں کے بچوں کو، عزیز و اقارب کو، آپ کے دوستوں کو، تمام لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ ایک عمل ضرور کرنا ہے، بے شک ابھی میری ویڈیو آپ روکیں، یہ عمل کریں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ باقی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اور 3 مرتبہ کل شریف کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ توحید کی، آپ لوگوں نے تمام ارواح کو اصال ثواب کرنا ہے اور ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا ہے۔ بے شک یہ ایک حدیث بھی ہے کہ کوئی انسان جو کہ وبا میں مرتا ہے، اور مختلف عالم دین اس بارے میں بتا بھی چکے ہیں کہ کوئی بھی ایسا انسان اسپیشلی مسلمان جو کہ کسی موذی بیماری یا وبا کی صورت میں مرتا ہے، وہ اس کا رتبہ کسی شہادت سے کم نہیں ہوتا۔ تو اس کے اکارڈنگلی آپ لوگوں نے یہ ایک روحانی عمل ضرور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اس ویڈیو میں جو زوڈک سائنس کو انشاءاللہ اس دفعہ کور کریں گے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ویسے بھی اپنے زوڈک سائنس کو اس ویڈیو میں کور کرتے ہیں ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ ریلیشن شپ، آپ کی فائنینشلی پوزیشن اور باقی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ میرے منتھلی پروگرام میں آپ لوگوں کو ایک یو ٹی وی کے اوپر مل چکی ہوتی ہیں آلریڈی، جو کہ میرا منتھ آف اپریل کی ویڈیو اپلوڈ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک یو ٹی وی کے اوپر۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم لوگ آج کے پہلے زوڈک سائن کے اوپر۔ ایریز، آپ لوگوں کا اگر ہم لوگ یہ ویک دیکھیں، پورا ہفتہ آپ لوگوں کا جو ہے بیسکلی اس کو ہم لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 حصوں میں بیسکلی، کیونکہ یہ ایسا ہفتہ ہے کہ اس میں اسلامی طور کے اوپر جو بیسکلی واقعات ہونے جا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو دن ہے اس ہفتے کا میں آپ کو بتاتا چلوں، جو پیر کا دن ہے، 30 تاریخ ہے، اس میں بیسکلی وفات بھی ہے حضرت جناب فضہ علیہ السلام کی، اور اس کے بعد جو ہے ایک دن کے وقفے کے بعد جیسے ہی نیا مہینہ شروع ہوگا اپریل کا، اس دن میلاد مسعود ہے شہزادہ قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کا، اور اس کے بعد یہ اگلے دن آغاز غیبت صغرا جو ہے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، اور اس کے علاوہ اسی ویک کا جو آخری دن ہوگا اس میں میلاد مسعود آ رہا ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا۔ تو اس کے اکارڈنگلی ایریز والوں کا جو یہ پورا ہفتہ ہے، آپ لوگوں کی یہ پلانٹری پوزیشنز ہیں بیسکلی، آپ لوگوں کی روپے پیسے کے حوالے سے جو کیفیت ہے اس میں کافی حد تک تھوڑی سی بہتری آنا شروع ہوگی۔ جو پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے پریشانیوں اور پرابلمز محسوس کی ہیں، آپ لوگوں کے مالی طور کے اوپر چیزیں جو رکاوٹ کا شکار تھی، یہ اس ہفتے انشاءاللہ آسانی اور سہل ہوتی چلی جائیں گی، اور متوقع طور کے اوپر آپ لوگوں کی خواہشات مذہب کے ساتھ آپ لوگوں کا لنک اپ زیادہ ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ جو انٹرسٹ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، یہ لوگوں کی فلاح و بہبود، مذہبی امور، مذہبی رجحانات، اور اسپیشلی کچھ نہ کچھ مطالعے کا اور پڑھنے کا شوق جو ہے یہ آپ کے اندر پنپتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی چیز کو میں نے لاسٹ ویک بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں میں فلاح و بہبود اور مذہبی حوالے سے جو ایک شوق ہے یہ پنپ رہا ہے، اور چیزیں انشاءاللہ اس ہفتے بھی کافی حد تک بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ جہاں تک بات کی جائے آپ لوگوں کی رومانوی زندگی اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے چیزوں کی، تو اس ہفتے میں جو پلانٹری پوزیشنز ہیں، آپ لوگوں کی رومانوی زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی احتیاط طلب ہے، اولاد کی صحت کے حوالے سے چیزیں آپ لوگوں کی تھوڑی سی احتیاط طلب ہیں، اور ازدواجی سکھ کا اگر ستارہ دیکھیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے کافی حد تک نسبتاً بہتر ہے اور سپورٹیو ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈیک سائن کے ساتھ۔ ٹارس برج سور، آپ لوگوں کا جو یہ پورا ویک ہے، یہ پورا ہفتہ ہے، اس کو روپے پیسے کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو روپے پیسے میں بیسیکلی ناگہانی اخراجات، بلا وجہ کے ایکسپنسز، اور فائنینشلی طور کے اوپر چیزیں تھوڑی سی رکاوٹ کا شکار نظر آتی ہیں۔ اس طرح معاملات مالی لحاظ سے پورے نہیں ہوتے ہوئے نظر آتے جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں، تو چیزیں تھوڑی سی مالی لحاظ سے رکی ہوئی ہیں، اور مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اخراجات کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں اور چیزیں تھوڑی سی پلان آؤٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے چیزیں اگر ہم لوگ دیکھیں تو محبت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس ہفتے سیم ایز اٹ از آپ لوگوں کے روپے پیسے جیسا ہی ہے، کہ آپ لوگوں کا رومانوی زندگی کا جو پلانٹ ہے یہ احتیاط کی طرف ہے، چیزوں کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے لمیٹیشنز میں رکھنا ہے، بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے بات چیت میں سپینڈ نہیں کرنا، ادروائز کچھ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس ہفتے جو ایک چیز بہت اچھی اور خوبصورت ہونے جا رہی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ لوگوں کا رومانوی زندگی بہتر ہوگی، اور وہ اس طریقے سے بہتر ہوگی کہ آپ لوگوں کے رشتے میں پیوریٹی آئے گی۔ بیسیکلی جتنا کم گفتگو کریں گے اتنی زیادہ پیوریٹی آپ کے رشتے میں آنا شروع ہوگی، یہ چیز آپ نے اپنے پلے باندھ لینی ہے، ادروائز اگر آپ بہت زیادہ بات چیت کرتے چلے جائیں گے تو پھر مس انڈرسٹینڈنگس آپ لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کریں گی۔ اس کے علاوہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے چیزیں دیکھی جائیں تو آپ لوگوں کی ذہنی طور کے اوپر جو نرمی کا لہجہ ہے، جو محبت ہے، شائستگی ہے، وہ آپ کے ازدواجی زندگی میں سکھ اور خوشحالی انشاءاللہ لے کے آئے گا۔
इसके साथ साथ बाकी ओवरऑल चीज़ें अगर हम लोग आपकी मामलाते ज़िंदगी की देखें तो इस हफ्ते का जो आखिरी दिन होगा बेसिकली वो ये दिन होगा जब आप लोगों के कारोबारी मामलात, जॉब, मलाजमती तौर के ऊपर चीज़ें इनका आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आगाज़ होना शुरू होगा। लेकिन फिल वक्ती तौर के ऊपर जो आगाज़ के दिन है उसमें क्योंकि आप लोगों का कैरियर का प्लानट जो है मार्स के साथ एक ऐसी नज़र बना रहा है और मार्स बड़ी ताकतवर पोजीशन में भी है इस हफ्ते के आखिरी अयाम में, तो मुमकिन तौर के ऊपर चीज़ें जो हैं इतनी सहल और आसान नहीं है, तो इस वाले से थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं और इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। जेमिनी बुर्ज जोसा, आप लोगों का जो ये पूरा हफ्ता है ये बेसिकली अगर हम लोग प्लैनेटरी पोजीशंस के हवाले से देखा जाए तो आप लोगों के अखराजात में नागहानी तौर के ऊपर इजाफा, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ होने जा रही है वो ये है कि आप लोगों के जो लोग आपसे हसद करते थे, जो बिलावजह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे ज़िंदगी में, उनके असल चेहरे सामने आना शुरू होंगे। चीज़ें उनकी तरफ से माइट भी क्लैरिफाई भी हो सकती हैं, वो कुछ शर्मिंदगी का इजहार भी कर सकते हैं और इस हवाले से चीज़ें बेहतर हैं कि कुछ रूठे हुए दोस्त, कुछ माजी के पुराने दोस्त, उनकी जानिब से कुछ फ़ोन कॉल्स का सिलसिला भी आपकी ज़िंदगी में जारी हो सारी इस हफ्ते होता हुआ नजर आएगा और मतवक्को तौर के ऊपर रिश्तों में रंजिशें दूर हो सकेंगी। इसके अलावा अगर हम लोग आपका अपना मेंटली तौर के ऊपर चीज़ें देखें तो बेसिकली तीन अहम सितारे आपके इस पूरे हफ्ते में ज़ाइचे के आठवें घर में नहस पोजिशन पर हैं, तो इसी हवाले से चीज़ें आप लोगों के लिए बेसिकली कैरियर वाइज, अज़दवाजी सुख के हवाले से और इसके साथ साथ नसीब के हवाले से, और इसी के साथ आप लोगों के अगर तालिबे इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट लोग भी इस हफ्ते में कुछ इतना ज़्यादा पनपते हुए नज़र नहीं आते और बिला वजह मेंटली तौर के ऊपर डिस्टर्ब नज़र आएंगे, प्रॉब्लम और सोचें जो हैं वो इंतशार की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती हैं, तो इस हवाले से चीज़ों को समेटने की कोशिश करें और चीज़ों को प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाएं, कुछ नया ज़िंदगी में सीखने की तरफ बढ़ें, तो मुतवक्को तौर के ऊपर आप अपनी इस मनफी सोच का बेहतर तौर के ऊपर तदारक कर सकेंगे। कैंसेरियंस बुर्ज सरतान, आप लोगों का ये पूरा जो हफ्ता है ये बेसिकली इमोशनल, जज्बाती, जल्दबाज, मनफी रुझानात, मनफी सोचें, खदशात और मेंटली तौर के ऊपर सोच बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हुई, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि समेटें, चीज़ों को बेहतर करें, तो उसका एक वाहिद हल है कि आप डेली की बुनियाद के ऊपर रोज़ाना आप अपने मोहल्ले में, इर्द गिर्द करीबी में देखें कि कौन सा कोई एक ऐसा मुस्तहिक फ़र्द है, उसकी मदद करना शुरू करें। आपकी जितनी भी इस्तेदाद है, बेशक एक वक्त का खाना उसको ख़ुद से पका के दे दें या उसके पैसे दे दें, जो भी आपकी इस्तेदाद है ये करना शुरू कीजिएगा तो मेंटली तौर के ऊपर आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। आपको इस रूहानी तदारक के बदले में चीज़ें रूहानी तौर के ऊपर, मेंटली तौर के ऊपर थोड़ा सा रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। आप मेंटली तौर के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, अग्रेसिव और बिला वजह जल्दबाजी की तरफ इकदाम उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता सिमटना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लोग आपके इस वीक को देखें तो नज़र बद के असरात भी आपकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं और नज़र बद के असरात होने की वजह से चीज़ें बिला वजह स्टक हो सकती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हो, चाहे वो कैरियर के हवाले से हो, चाहे वो आपके फ्यूचर प्लानिंग्स के हवाले से हो, तो अगर आप चाहते हैं कि नज़र बद जो है उसके बेहतर तौर के ऊपर तदारक हो सके, तो यही रूहानी अमल जो मैंने आपको बताया है इसको आपने इस पूरे हफ्ते में दोहराना है, तो इंशाल्लाह यकीनी तौर के ऊपर आप लोगों के मामलात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होगी जैसे ही ये हफ्ता ख़त्म होगा। लियो बुर्ज असद, आप लोगों का जो ये पूरा वीक है, ये पूरा हफ्ता है बेसिकली आमदन और रुपए पैसे के हवाले से जो चीज़ें हैं, स्पेशली जो किसी के साथ मिल के आप कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप के ऊपर आप चीज़ें कर रहे हैं, वो कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं चलेंगी। उनमें बिला वजह के आपके पार्टनर के साथ माइट भी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो, चीज़ें माइट भी रुकावट का शिकार हो, तखीर हो, इंतशार हो, तो इस हवाले से चीज़ें थोड़ा सा आपको समझ के लेके चलनी चाहिए, अपनी तबीयत में थोड़ा सा ठहराव आप लोगों ने रखना है और बहुत ज़्यादा अपनी हाकमाना तबीयत की तरफ जो आप लोगों की नेचुरली है उसकी तरफ नहीं फोकस रखना, तो चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों ने लाइटर मोड में रखेंगे तो मामला ज़िंदगी आप लोगों के लिए बेहतर चलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बाकी चीज़ें देखें तो रोमानवी ज़िंदगी भी आप लोगों की कुछ इतनी ज़्यादा खुशगवार नहीं है इस हफ्ते, उसमें भी आपको थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, दूसरे फरीक की चीज़ों को समझना चाहिए, तो मतवक्को तौर के ऊपर मामलात ज़िंदगी बेहतर होंगे, सेहत आप लोगों की बेहतर होती हुई नज़र आएगी। सेहत जो है उसके हवाले से अगर आप कुछ मज़ीद सदक़ात देना चाहें तो आपने इस पूरे हफ्ते में कोशिश करनी है कि मंगल के दिन और इसके साथ साथ हफ्ते वाले दिन, मंगल वाले दिन आप सदका देंगे किसी भी लाल रंग की चीज़ का जिसमें लाल मसूर, गोश्त, कलेजी फेफड़ा हो सकता है, किसी गरीब मुस्तहिक को दे दें, और हफ्ते वाले दिन जो आप सदका देंगे वो है काले तिल या काले माश की दाल। ये दो सदकात आप देंगे तो मतवक्को तौर के ऊपर आपकी हेल्थ
बेहतर हो जाएगी, ना सिर्फ हेल्थ बल्कि ازدواجی زندگی کا سکھ بھی, کیونکہ یہی ریمیڈی میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویک بھی بتائی تھی کہ ازدواجی زندگی کے سکھ کو بڑھانے کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ریمیڈیز آپ اپنائیے گا, متوقع طور کے بڑھ چیزیں آپ کی بہتر ہوں گی اور طبیعت میں تھوڑا سا حاکمانہ اور لہجے میں تھوڑی سی کرختگی کو کم کریں گے تو معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے سہل ہو جائیں گے. ورگو برج شملا, آپ لوگوں کا جو یہ پورا ہفتہ ہے, یہ پورا ویک ہے آپ لوگوں کا, بیسکلی آپ لوگوں کو رومانوی زندگی کے حوالے سے اور اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اولاد کی صحت کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, ان کے روز و شب کو چیک کرنا چاہیے, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے کیا مشاغل چل رہے ہیں, اس چیز کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لے کے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, ادروائز آپ لوگوں کو آگے چل کے مسائل پرابلمس ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت اور رومانوی زندگی میں بھی چیزیں اس طرح نہیں چلتی ہوئی نظر آ رہی جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جس طرح آپ چاہ رہے ہیں, جس طرح آپ سوچ رہے ہیں, تو اسی کے اکارڈنگلی چیزیں تھوڑا سا جو ہے وہ سہل بنانے کی کوشش کریں, اور سہل اس صورت میں بن سکیں گی جب آپ دوسرے افراد کی رائے کو تھوڑا سا پریفر کرنا شروع کریں گے. جو بھی فرد ہے آپ کی زندگی میں جس سے آپ محبت کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کا بھائی ہو, بہن ہو, رشتہ دار ہو, آپ لوگوں کا دوست ہو, یا کسی کے ساتھ آپ شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں, تو تمام صورتوں میں آپ لوگوں نے دوسرے افراد کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, تو تبھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے سہل اور آسان ہو پائیں گی. لبرنس برج میزان, آپ لوگوں کا جو یہ بیسکلی پورا مہینہ ہے یہ خانگی طور کے اوپر بہت زیادہ خاص اہمیت کا حامل ہے. آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے ایک گھر میں رہتے ہیں, یا ایون اگر آپ اکٹھے نہیں بھی رہ رہے تب بھی آپ کے جو فیملی ممبرس ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے خاص توجہ کے مستحق ہوں گے. ان کی ضروریات زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں, اگر ان کو کسی بھی طور کے اوپر آپ کی ضرورت ہے, روپے پیسے کے حوالے سے, اخلاقی طور کے اوپر, مالی لحاظ سے آپ لوگوں کا ٹائم چاہتے ہیں, وہ آپ سے کوئی بہتر مشورہ لینا چاہتے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ ان کو ضرور اپنا ٹائم نکال کے ان کے پاس ٹائم سپینڈ کریں, ان کی بات کو سنیں, توجہ دیں, اور اگر آپ کسی بھی طور کے اوپر ان کی مالی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے جو فیملی بانڈنگ ہے اس کو مضبوط کرنے کا ہے. اگر آپ نے کسی بھی طور کے اوپر اس پورے ہفتے میں اپنے خانگی معاملات میں کوتاہی کی تو آگے چل کے آپ لوگوں کو اس کے سائیڈ افیکٹس دیکھنے کو ملیں گے. تو اسی حوالے سے چیزوں کو ابھی سے کنٹرول کیجیے گا تاکہ معاملات زندگی آگے چل کے کسی بھی طور کے اوپر خراب نہیں ہو. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ باقی پلینٹری پوزیشنز آپ کی دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کا کیریئر کا جو ستارہ ہے پہلے تین دنوں میں تو کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں نظر آتا, لیکن جیسے ہی ہفتے کے پہلے تین دن گزریں گے اس کے بعد چیزیں تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کو کسی جگہ کے اوپر جاب کے لیے اپلائی کرنا سوچ رہے تھے, کوئی ای میل کرنا چاہ رہے تھے, تو اس کے اکارڈنگلی بھی چیزیں آخری چار دنوں میں آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں, کہ آپ کو کچھ ایسے مواقع مل سکتے ہیں, کوئی دوست آپ کی زندگی میں ایسا آ سکتا ہے, کوئی فون کال آپ کو ایسی آ سکتی ہے, کوئی ای میل آپ کو ایسی آ سکتی ہے جہاں سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کا کام بن سکتا ہے, آپ کسی جگہ کے اوپر اپرچونیٹی کو اویل کر سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال آپ لوگوں کے لیے ہفتے کے آخری چار دن میں بن سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ باقی معاملات زندگی دیکھیں تو آپ لوگوں کو صحت کے حوالے سے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ایک صدقہ ضرور دینا ہے اپنا, اور وہ صدقہ ہے بیسکلی آپ کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر, کہ آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر پورے ہفتے کے جو دن ہیں اس میں آپ لوگوں نے گندم یا باجرے کا صدقہ دینا ہے تاکہ آپ کے معاملات زندگی بھی بہتر رہیں, اور آپ کو دوستوں سے جو توقعات پوری نہیں ہوتی ہوئی مل رہی وہ بھی تھوڑی سی بہتر ہو سکے. اسکارپیو برج عقرب, آپ لوگوں کا یہ پورا جو ہفتہ ہے یہ بیسکلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو روپے پیسے کے حوالے سے چیزیں تھوڑی سی مسائل اور پریشانیوں میں فیس کرنی پڑیں گی. آمدنی کے وسائل جو ہیں وہ بلا وجہ رکاوٹ کا شکار رہیں گے, ڈسٹرب رہیں گے, چیزیں اس طرح ہو نہیں پائیں گی جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے, بلا وجہ معاملہ سٹک ہوئے ہیں, اور یہ کیفیت جو ہے اس ہفتے کے پہلے پانچ دن رہے گی, لیکن جیسے ہی ویکینڈ آئے گا ویکینڈ میں چیزیں کچھ آپ کے لیے بہتر ہو سکیں گی, کچھ غیبی مدد آپ کو جو ہے آمدن کے حوالے سے روپے پیسے کی صورت میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور متوقع طور کے اوپر آپ کا جو پورے ہفتے کا جو آخری ویکینڈ ہے یہ آمدن کے وسائل میں بہتری کا ایک نوید لے کے آئے گا. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ پورا آپ لوگوں کا ہفتہ دیکھیں تو اس میں آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا رہے گا, خود اعتماد آپ رہیں گے, حالات چاہے کیسے بھی ہوں, مشکلات کیسی بھی ہوں, آپ لوگ ہمت نہیں ہاریں گے, آپ حالات کو بہتر کرنے کی لگن اپنے اندر رکھے ہوئے نظر آئیں گے, اور چیزوں کو بہتر طور کے اوپر سمجھتے ہوئے, انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے خود بھی کانفیڈنٹ رہیں گے, اور اپنی زندگی میں جڑے ہوئے تمام افراد کو
आप लोग यकजा करते हुए उनकी हिम्मत के बढ़ावे के असबाब मुहैया करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को जो एहतियात लाजम है, एहतियात है बेसिकली आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी के हवाले से। मोहब्बत का हामिल जो आपका फरीक है, जो आपकी ज़िंदगी का हमसफ़र है मोहब्बत का, वो आपके साथ इतना ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप रखे हुए नज़र नहीं आ रहा, तो इसी हवाले से चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों ने लेट गो करनी है, खामोशी इख्तियार करनी है, तो मामलात ज़िंदगी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन दूसरी सूरत में अगर हम लोग देखें, अज़दवाजी ज़िंदगी आप लोगों की बहुत खूबसूरत है। इस हफ़्ते में आप लोगों की माजी की दरपेश रंजिशें भी दूर हो सकेंगी और मतवक्को तौर के ऊपर इस हफ़्ते में आप लोगों के बॉन्ड मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस, आप लोगों का ये बेसिकली जो पूरा हफ़्ता है, ये पूरा हफ़्ता आप लोगों के लिए आमदन और रुपये पैसे के हवाले से चीज़ों को सिर्फ प्लान आउट कर रहेगा। आप लोगों ने मुस्तकबिल में अपने जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आप लोगों के इकदाम हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग प्लान आउट करते हुए नज़र आएंगे। और आप ना सिर्फ चीज़ों को प्लान आउट करेंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत में है कि आप एक जगह के ऊपर रुके नहीं रह सकते, आप कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एडवेंचरस करने का सोचते हैं हमेशा। और यही वजह है कि इस पूरे हफ्ते में आपके लिए एडवेंचर ये होगा कि आप लोगों ने पूरे जो अपने आगे आने वाले एक साल की प्लानिंग्स हैं, वो इसी एक हफ़्ते में आप लोगों ने कर लेनी है, और चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर तौर के ऊपर अगले आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी। और फाइनेंशियली तौर के ऊपर फ़वाद जो हैं इस पूरे अगले आने वाले साल में आप लोगों के नसीब में लिख दिए गए हैं। और स्पेशली जो तालिब इल्म हज़रात जो अपनी तालीम के हवाले से परेशान है, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह इस हफ़्ते का जो आखिरी हफ़्ता होगा, आखिरी वीक होगा, उसमें कुछ बेहतर तौर के ऊपर इकदामात सुनने को मिलेंगे। आप लोगों को कुछ ईमेल्स आ सकती हैं, कुछ लेटर्स आप लोगों के घर के ऊपर, डोर स्टेप के ऊपर कुछ इस तरह के खतूत आ सकते हैं आप लोगों को, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या किसी और तरफ से, जहाँ पर आपने कुछ एडमिशन या अपने कोई कोर्सेज या अपने प्रेजेंटेशन के हवाले से चीज़ों को सबमिट करवाया था, उसका बेहतर अंदाज़ में आप लोगों को फीडबैक मिलना शुरू होगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग मामलाते ज़िंदगी आप लोगों की बाकी देखें, तो इस पूरे हफ्ते में सिर्फ अपनी सोच जो है उसको पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की सोच में वक्ती तौर के ऊपर कुछ हद तक, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन, मंगल वाले दिन, आप लोगों को वक्ती तौर के ऊपर जो दिन का इख्तितामी हिस्सा होगा उसमें थोड़े से मनफी ख्यालात या मनफी रुझानात रहने वाले हैं। इस चीज़ को बेहतर तौर के ऊपर पहले से अपने आप की स्पिरिट्स थोड़ी सी हाई रखनी है, और हाई स्पिरिट्स की ही ज़रूरत है, जो कि अभी हालात चल रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के भी और पूरी आलमी तौर के ऊपर दुनिया के, तो इसके हवाले से अपनी स्पिरिट्स को हाई रखिएगा। ज़िंदगी में चीज़ें इंशाल्लाह आपके हक़ में आगे चल के बहुत अच्छी होने वाली हैं। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, आप लोगों का जो ये पूरा हफ़्ता है, ये बेसिकली आप लोगों का जज्बात को कंट्रोल रखना है। इसके साथ साथ आप लोगों को अपनी जो इनर स्किल्स हैं, जो आप लोगों की इनर कैपेबिलिटी है, उसको समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस हफ़्ते में आप लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है, आप लोग खुद एतमाद हो रहे हैं। बहुत से ऐसे काम जो कि शायद माजी में आप सिर्फ सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, सिर्फ प्लानिंग्स थी और ख्वाबों में जो है वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस हफ़्ते में आप हिम्मत करते हुए चीज़ों को हकीकत में लेके आएंगे और बहुत सारी चीज़ें आप फाइनलाइज करते हुए नज़र आएंगे हकीकत की बुनियाद के ऊपर। हकीकत पसंद भी होंगे, कॉन्फिडेंट भी होंगे, लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों ने पूरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा मॉनिटर करनी है, उसकी एहतियात करनी है, केयर करनी है, और वो है आप लोगों की अल्फाज की नरमी और शाइस्ते, क्योंकि बेसिकली मिजाज की तेज़ी आप लोगों की इस हफ़्ते में थोड़ी सी रहने वाली है, और मिजाज की तेज़ी को ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ आप लोगों के बाकी ओवरऑल मामला देखें, तो आप लोग दूसरों की हेल्प करते हुए नज़र आएंगे, दूसरों को अपनी ज़ात से किसी ना किसी तौर के ऊपर फ़ायदा पहुँचाते हुए नज़र आएंगे, और मजहब, रूहानियत, फलाही काम, इन तीनों के साथ आप लोगों का एक अटूट बंधन जो है इस हफ़्ते में डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ बाकी ओवरऑल ज़िंदगी देखें आप लोगों की, तो नज़रे बात आप लोगों को वक्ती तौर के ऊपर इस हफ़्ते में रहेगी, लेकिन उस नज़रे बात का सदका आप लोगों ने ये करना है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, डेली की बुनियाद के ऊपर आप लोगों ने गोश्त, कलेजी, पिपरा, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ लेते हैं तो किसी गरीब को, मुस्तहिक को दीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आप इतना नहीं अफोर्ड करते तो आप छीछड़े ले के भी अपने घर के किसी करीबी जगह के ऊपर डाल सकते हैं, जहाँ पर जानवर वगैरह इसको खा लें। इसके अलावा अगर हम लोग बाकी मामलाते ज़िंदगी आप लोगों के देखें, तो आप लोगों को अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर रखने के लिए एक अमल आप लोगों ने करना है, और वो अमल ये है कि आपने रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 11 मरतबा, जब आप सुबह उठेंगे 11 मरतबा आप लोगों ने, जब आप बेड से उठते हैं और उसके बाद आप गुसल करके, वज़ू करने के बाद आप लोगों ने 11 मरतबा जो है कोई सा दुरूद शरीफ़
पढ़ने के बाद अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपनी खुद एतमादी को और अपने पूरे दिन में एक मुस्बत सोच को इम्प्लीमेंट रखने के लिए आपने किसी भी दुरुशिफ को 11 मरतबा विर्द करना है दिन के आगाज़ में, तो इंशाल्लाह बाकी तमाम आपका जो दिन है और आने वाला ये पूरे जो डेज़ हैं आप लोग के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्त रहेंगे। एक्वेरियस वर्जन दलव, आप लोगों का जो ये पूरा हफ्ता है ये बेसिकली जहनी तौर के ऊपर थोड़ा सा खदशात आपके जहन में समोए हुए हैं, वही चीज़ जो पिछले हफ्ते में भी थी कि बिला वजह चीज़ों को, हालात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देंगे। हालात इतने ख़राब नहीं होंगे, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राबी की तरफ नहीं होंगी, जितना आप अपने माइंड में उसको सोच लेंगे, जितना उसको एग्जैजरेट करते चला जाएंगे और हालात को बढ़ा चढ़ा के ना सिर्फ ख़ुद अपने आप को परेशान करेंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़ात में जो दूसरे अफराद शामिल हैं उनको भी आप बिला वजह मेंटली तौर के ऊपर डिस्टर्ब करते हुए नज़र आएंगे। तो इस चीज़ को अपने अंदर थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज़ आप पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते में भी मेंटली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से चीज़ें ख़राबी की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करें, चीज़ों को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बेसिकली एक फितरत है, आप लोगों की नेचर है और वो है इंडिविजुअलिज़म, आप लोगों के लिए अपनी ज़ात हमेशा प्रेफरेबल रहती है और इसी चीज़ को आपने इंडिविजुअलिज्म को ही फोकियत देते हुए सिर्फ आपने करना ये है कि आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, मुस्तकिल मिजाज रहना है। तो पॉजिटिविटी का जो एलिमेंट है इसको अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक काम कीजिएगा कि आप गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा नाद अली सगीर की एक छोटी सी दुआ है नाद अली की, इस दुआ को रोज़ाना 110 मरतबा पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पीना शुरू करें तो आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी, खुद एतमादी, हौसला बढ़ना शुरू हो जाएगा और तमाम तर हालात जो आपके इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं उनको समेटने की आपके अंदर एक उमंग पैदा होगी और जब उमंग पैदा होगी तो चीज़ों को आप बेहतर अंदाज में समझ भी सकेंगे और समेट भी सकेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करते हुए अपने ज़ात से जुड़े तमाम अफराद को आप एक बेहतर हौसला देते हुए नज़र आएंगे। पाइसिस बुर्ज हॉट, आप लोगों का जो ये बेसिकली पूरा हफ्ता है, इस हफ्ते में आप लोगों की अगर हम लोग प्लानेटरी पोजीशंस देखें तो थोड़ी सी शहाना मिजाजी और थोड़ा सा गुस्से का एलिमेंट, मिजाज में सख्ती आप लोग फील करते हुए नज़र आएंगे और बिला वजह का गुस्सा जो है ये आप लोगों के लिए खानगी माहौल को भी ख़राब करेगा, क्योंकि आप लोगों के दोस्त अहबाब ख्वाहिशात कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी तो रहती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इस चीज़ को समझ लेना, एक्सेप्ट करना, रियलिटी को समझ लेना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन होगा बजाय इसके कि आप चीज़ें अपने ख्वाबों की दुनिया में ही अपने जहन के मुताबिक सोच के चलाना शुरू कर दें। हकीकत में रहिएगा, हकीकत पसंद रहिएगा, लोग आपके साथ जो बिहेवियर शो कर चुके हैं इस चीज़ को समझते हुए जितना ज़्यादा आप हकीकत पसंद होगे ये पूरा हफ्ता गुजारेंगे चीज़ें आपके हक में बेहतर रहेंगी। और स्टिल अगर आप ये समझते हैं कि शायद जो माजी में हुआ वो आप लोगों के लिए एक खुशफहमी थी, एक खाम ख्याली थी और चीज़ें उस सेम अब भी उसी तरह हैं, लोग अब भी सेम एज इट इज़ आपके साथ उसी तरह खुश असलूबी के साथ मिलेंगे जिस तरह माजी में मिल रहे थे, तो इस चीज़ को समझ के ये हफ्ता गुजारने का है। अदरवाइज़ आपके पूरा वीक अपना फाइनेंशली तौर के ऊपर भी नुकसान करेंगे, मॉरली तौर के ऊपर भी आप मज़ीद और ज़्यादा थोड़ा सा नीचे चले आते जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते में कुछ पाइसेस अफराद जो हैं कुछ प्रोडक्टिविटी के काम करते हुए नज़र आएंगे, कुछ बहुत सारे जो मामलात उनके माजी में तकमील जो है वो डिले हो चुके थे आप लोग इस हफ्ते में उसको तकमील देते हुए नजर आएंगे। मुमकिन तौर के ऊपर ऐसे काम जो कि अपने आने वाले दिनों में भी आपने करने थे उसको भी आप इस हफ्ते में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह समेट सकेंगे, निबेट सकेंगे और मुतवक्को तौर के ऊपर प्रोडक्टिविटी की जो कैफियत है कुछ पाइसेस अफराद की बहुत ज़्यादा उम्दा और खुश असलूब रहती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ माली पोजीशन अगर आप लोगों की इस हफ्ते में देखें तो माली कैफियत के हवाले से चीज़ें आप लोगों की इस हफ्ते में ख़ास तौर के ऊपर बेहतर हो सकती हैं आखिरी हफ्ते के जो आखिरी दो दिन हैं उनमें। तो अगर हफ्ते के आखिरी दो दिनों की बजाय पूरे हफ्ते में अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं तो फिर आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, डेली की बुनियाद के ऊपर आप लोगों ने कोई भी काले रंग की चीज़ लेनी है, ब्लैक कलर की चीज़, और उसका सदका देना शुरू करना है तो मतवक्को तौर के ऊपर चीज़ें आपके हक में अच्छी और खुशाइंद हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों ने अपने इस हफ्ते को जो कि कारोबारी तौर के ऊपर जो लास्ट वीक था वो भी कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा, आप लोगों के मुतअद्दिद लोगों के कारोबार जो हैं पूरे ग्लोबली तौर के ऊपर भी और पूरे मुल्क पाकिस्तान में लॉकडाउन की कैफियत की वजह से
ملکی معیشت کا بھی جو ہے اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا اور بہت سارے بہن بھائی جن کے روزگار اس میں رکے ہوئے ہیں, مالی پوزیشن ہے, پرابلمس ہیں, مسائل ہیں. تو اسی کے اکارڈنگلی ایک دفعہ پھر ویڈیو کے اختتام کے اوپر میں دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام امت مسلمہ اور تمام انسانیت کو اپنے رحم و کرم میں رکھے اور ہماری بخشش فرمائے, ہماری مغفرت فرمائے, اور ہم سے جو ناراض ہے, شدید ناراض, تو ہم سے راضی ہو جائے اور اس بیماری سے ہمیں اپنی پناہ میں محفوظ رکھے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.